नमस्कार व्यूअर्स, आप सबको मेरे चैनल में स्वागत है। व्यूअर्स, आज एक और इम्पॉर्टेंट विषय में वार्ता लेकर आया हूँ। आज का विषय है 31 अगस्त 2018 में वीनस कन्या राशि से मूव करके तुला राशि में प्रवेश करेगा। वीनस शुक्र ग्रह का प्रभाव अलग अलग राशियों पर कैसा पड़ेगा, इस विषय में आज चर्चा करेंगे। मैं बता दूं मित्रों, वीनस यानी कि शुक्र एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है, जिसके जन्म कुंडली में वीनस पावरफुल होता है, राजयोग बनाता है, जीवन के सारे सुख समृद्धि शांति जीवन भर वो भोगता है। और जिसका वीनस कमज़ोर होता है, राजयोग पोजीशन में जन्म कुंडली में नहीं होता है, जीवन भर वो दुख परेशानियां, बीमारियां, गरीबी से पीड़ित रहता है। राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य बहुत इम्पॉर्टेंट रोल पर्सनल लाइफ, मैट्रिमोनियल लाइफ, लग्जूरियस लाइफ, हेल्दी लाइफ, इन सब चीज़ों में प्ले करता है। वीनस मतलब खूब धन संपदा, सौंदर्य, समृद्धि, अच्छे भवन में रहना, अच्छे कपड़े पहनना, परफ्यूम, ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, बिजनेस, घर में सुख समृद्धि, पति पत्नी में प्यार, कम उम्र में विवाह हो जाना, आकर्षण, सारे सांसारिक सुख और हैप्पीनेस वीनस से कनेक्टेड है। बहुत विरले लोग ही होते हैं जिनके वीनस पावरफुल होता है, और पावरफुल होने के कारण वे बहुत बड़े पद में, बहुत ऐश्वर्य या मीडिया वर्ल्ड में, या फिल्मी सितारे, या इंडस्ट्रियलिस्ट, या बहुत वैभवता, बहुत संपन्नता को प्राप्त करते हैं। जिसके पास वीनस शुक्र ग्रह का आशीर्वाद नहीं होता, उसे उपाय लेना चाहिए, नहीं तो बहुत परेशानियां जीवन में जाना पड़ता है। पैसा बहुत है लेकिन वीनस कमज़ोर है, मैट्रिमोनियल लाइफ डिस्टर्ब रहेगी। बहुत समृद्धि है लेकिन स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वीनस जन्म कुंडली में ख़राब है, उन पैसों को भोगने नहीं दे रहा। वीनस कमज़ोर होने पर सही उम्र में विवाह नहीं होने देता, पति पत्नी में अनबन बना देता है, सारे रिश्तों में खटास पैदा कर देता है, लग्जूरियस लाइफ आप लीड नहीं कर सकते। अच्छे होटल में खाना, अच्छे गाड़ियों में घूमना, अच्छा परफ्यूम, कपड़े, गहने, जेम्स ज्वेलरी, विदेश यात्रा, सब कुछ वीनस ग्रह के ऊपर निर्भर करता है। मेहनत सब करते हैं, कुछ अपने कर्मों के हिसाब से जन्म कुंडली में, हॉरोस्कोप में वीनस की अच्छी पोजीशनिंग लेके आते हैं और लाइफ को एंजॉय करते हैं। आइए मित्रों जाने 31 अगस्त को लव के जो गॉडेस हैं वीनस शुक्र, वो इस समय कन्या में नीच का है और तुला राशि में उच्च का, एग्जॉल्टेड होगा और महान राजयोग मालवीय योग बना रहा है। कई राशियों के तो भाग्य खुलेंगे और कईयों के मिक्स्ड रिजल्ट्स रहेंगे। आइए मित्रों जानते हैं मेष राशि वालों का कैसा रहेगा ये ट्रांजिट, जो लगभग सितंबर महीने तक रहेगा।
वर्तमान में तुला राशि में पहले से ही देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। ये इतना एक इम्पॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है, एस्ट्रोलॉजी में बहुत कम देखने को मिलता है। इस समय हम ये कह सकते हैं कि 31 अगस्त को देव गुरु बृहस्पति और राक्षसों के गुरु शुक्र एक साथ युति करेंगे तुला राशि में। इससे बड़ा राजयोग ऑस्पिशियस इवेंट स्टूडेंट्स के लिए, बिजनेसमैन के लिए, मैरिड कपल्स के लिए, अनएम्प्लॉयड पीपल के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, प्रमोशन के लिए और हो नहीं सकता। साधना करने के लिए, प्रेयर के लिए, सुख शांति के लिए एस्ट्रोलॉजिकली और नहीं हो सकता। आइए जानते हैं मेष राशि वालों का कैसा इम्पैक्ट रहेगा। मित्रों मैं बता दूं, मेष राशि जो है वो मंगल प्लैनेट से कंट्रोल्ड होता है। मेष राशि के सातवें स्थान में सेवेंथ हाउस, हाउस ऑफ पार्टनरशिप, मैरिज, रिलेशनशिप का हाउस होता है। इस हाउस में वीनस 31 अगस्त को आ जाएगा, यानी कि मेष राशि वालों का बहुत सुख समृद्धि का समय आ गया है। विवाह के योग हैं, जो बिजनेसमैन है खूब प्रॉस्पेरिटी करेंगे। शुक्र अपने घर में बैठा है तो ज़्यादा रोमांस, ज़्यादा भोग में नुकसान भी हो सकता है, हेल्थ खराब हो सकती है। खूब पैसा, समृद्धि और कई बार ज़्यादा लग्जरी में इन्वॉल्व होने से माइंड डाइवर्ट भी हो सकता है। मोटे तौर पर मेष राशि वालों के जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट सेवन्थ हाउस में है। मैरिड लाइफ में रिलेशन इम्प्रूव होंगे, सिंगल्स की शादियां हो जाएगी, मैरिज में काफ़ी ज़्यादा प्यार बढ़ेगा। कई बार ज़्यादा प्यार से डिसहार्मनी भी हो सकती है। घर में रिलेशन इम्प्रूव होंगे, खूब समृद्धि आएगी। साथ में देव गुरु बृहस्पति है तो मैं समझता हूँ कि जिन लोगों का विवाह की बातें चल रही है वो तय समझना। अब चलते हैं वृषभ राशि। मित्रों मैं बता दूँ, वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है और इस ट्रांजिट में वो वृषभ राशि वालों के छठे घर में आ जाएगा। छठे भाव में देव गुरु बृहस्पति और शुक्र की युति एक बहुत बड़ा राजयोग है। शंख योग और मालवीय योग बहुत बड़ी राजयोग की छटा है। अगर आपने उधार लिया हुआ है तो चुकता हो जाएगा, बहुत हैप्पीनेस मिलेगी, जमीन जायदाद खरीदेंगे, घर में नई चीज़ें आएंगी, पुरानी बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। मोटे तौर पर समय बहुत शुभ और अच्छा ये ट्रांजिट देगा। अब चलते हैं मित्रों मिथुन राशि। मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है। बुध इस समय मिथुन राशि वालों के लिए सिंह राशि में बुध आदित्य योग राजयोग बना रहा है। मिथुन राशि वालों के पांचवें घर में राजयोग का निर्माण देव गुरु बृहस्पति और शुक्राचार्य के द्वारा मालवीय योग बनाकर हो रहा है। लव लाइफ बहुत इम्प्रूव होगा, लोग आपको चाहने लगेंगे, लड़के लड़कियों की शादी हो जाएगी, बिजनेसमैन के बहुत प्रॉफिट्स होंगे, नए बिजनेस रास्ते खुलेंगे, करियर के अंदर जो लोग प्रमोशन अवेट कर रहे हैं प्रमोशन होगा, चिल्ड्रंस का स्टडीज़ अच्छा हो जाएगा। बहुत प्यार मोहब्बत का समय इस समय रहेगा। अगला राशि मित्रों कैंसर। कैंसर का स्वामी मून यानी कि चंद्रमा है। चंद्रमा इस समय टॉरस में एग्जॉल्टेड और राजयोग का निर्माण कर रहा है। कैंसरियन के तीसरे भाव में शुक्र ग्रह ट्रांजिट करेगा, साथ में देवगुरु बृहस्पति के साथ युति कर रहा है। उनके लिए बहुत अच्छा समय है, कहीं से खुशखबरी आएगी, बड़े अपॉइंटमेंट के चांसेस हैं, कम्युनिकेशन इम्प्रूव होगा, चिट्ठियाँ आएगी, बहुत अच्छा समय रहेगा। वे अपने पराक्रम से कोई बड़ा काम करके सबको चौंका देंगे। मोटे तौर पर यह राजयोग है। सिंह राशि। सिंह राशि पर इस समय सूर्य और बुध विराजमान है, जो एक प्रकार का सिंह राशि वालों के लिए ट्रांजिट में राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। सिंह राशि वालों के लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। वीनस और जुपिटर उनके लिए एक बहुत बड़ा राजयोग का निर्माण कर रहा है, बहुत ही अच्छे घटनाओं के होने के सूचक हैं। समृद्धि रहेगी, प्रसिद्धि रहेगी, बड़े काम को वे समाधान करेंगे इस दौरान।
कन्या राशि, कन्या राशि के इस समय मित्रों शुक्र नीच का उन्हीं की राशि में है, 31 में उनके दूसरे भाव में चला जाएगा। दूसरा भाव कुटुंब का, स्पीच का, समृद्धि का भी है। तो ये समय उनके लिए बहुत अच्छा पैसे कमाने के लिए, प्रोग्रेस के लिए, बिजनेस में इम्प्रूव करने के लिए रहेगा। एकदम से भाग्योदय योग मुझे दिखता है। तुला राशि, तुला राशि में शुक्र का आना और देवगुरु बृहस्पति के साथ युति बनाना ये इंडिकेट करता है कि पर्सनैलिटी को तुला राशि के बहुत पावरफुल कर देगा। कुछ भी काम करेंगे उसमें एक पावर आ जाएगी और जीवन में एक बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन होने का योग बन रहा है। ऐसा योग बहुत कम देखने को मिलता है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों का 12वें स्थान में वीनस और जुपिटर एक साथ ट्रांजिट में आना इंडिकेट करता है विदेश यात्रा, विदेश से पैसा आना, लग्जरी में बहुत पैसा खर्च होगा, घर से बहुत पैसा निकलेगा, मोटे तौर पर बहुत गेंस भी होंगे और पैसा जाएगा भी। बिजनेसमैन को विदेशों से बहुत लाभ होगा, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में है उनकी बहुत उन्नति है, मोटे तौर पर एक तरह से अच्छा रहेगा। धनुराशि, धनुराशि का स्वामी बृहस्पति होता है जो इस समय धनुराशि वालों के 11वें घर में बृहस्पति विराजमान है। धनु राशि वालों के लिए बहुत फाइनेंशियल गेन होगा, बहुत समृद्धि होगी, घर में शुभ घटनाएं होंगी, बहुत उन्नति का योग दिखता है, आगे बहुत पीस एंड प्रॉस्पेरिटी ये ट्रांसिट लेके आएगी। मकर राशि, मकर राशि में इस समय मंगल उच्च का होकर राजयोग बना रहा है, साथ में केतु भी है, तो मेरे ख्याल से ये समय थोड़ा सा धीरे चलने का है। कई प्रकार की चीज़ें सामने आएगी नेगेटिव, उनसे भी बच के चलने का है। ये ट्रांजिट उनके 10वें भाव में है तो कैरियर के अंदर बहुत बड़ा चेंजेस आने वाला है। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों का 9वें भाव में जुपिटर और वीनस का आना भाग्योदय का योग है, बहुत खुशियां, बहुत पीस, बहुत प्रोग्रेस रहेगी। मीन राशि, मीन राशि के 8वें भाव में वीनस और जुपिटर का आना इंडिकेट करता है जमीन जायदाद एसेट सब खरीदेंगे, बहुत पीस, बहुत प्रोग्रेस, बहुत सारी चेंजेस लेके आएगी। मोटे तौर पर सारे राशियों के लिए ये ट्रांजिट एक प्रकार का बहुत शुभ फल लेकर आएगा। ट्रांजिट के साथ साथ मित्रों जन्म कुंडली में महादशाओं का भी प्रभाव ट्रांजिट पर पड़ता है। जिसकी महादशा कुंडली में अच्छी चल रही है जैसे वीनस की या जुपिटर की, तो उसको बहुत अच्छा फल मिलेगा, और जिसके नेगेटिव प्लैनेट्स की चल रही है, पाप ग्रहों की चल रही है जैसे केतु, राहु, मंगल, शनि, उनको इसका प्रभाव थोड़ा खराब भी मिलेगा। मोटे तौर पर अच्छा रहेगा, पूजा पाठ दान पुण्य करिएगा, समय अच्छा रहेगा। धन्यवाद मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय।